सुस्त अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बीच भारतीय बाजारों पर घरेलू फैक्टर का दिखेगा असर। वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव संभव, मुनाफा वसूली भी आ सकती है बाजार में। जी बिजनेस पोल में मुताबिक 57% ब्रोकर्स ने कहा 7580 से लेकर 7680 के बीच में होगी एक्सपायरी। SBI ने नई लेंडिंग दरों का ऐलान किया। 1 अप्रैल से दरें लागू होने के बाद लोन होगा सस्ता। दूसरे बैंकों का भी MCLR दरों का कर सकते हैं ऐलान। JPS स्टेट्स और अटेटेक के बीच आज हो सकती है सीमेंट डील। सूत्रों के मुताबिक 16,500 करोड़ रुपए में हो सकता है सौदा। इंडिया गेट बासमती चावल बनाने वाली कंपनी KRVL के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग के छापे। टैक्स बचाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के गलत इस्तेमाल का आरोप। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफॉल्टर्स की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप। डिफॉल्टर्स का नाम सार्वजनिक नहीं करने की गुजारिश की। कहा नाम बताने से कंपनियों के कारोबार पर पड़ेगा नेगेटिव असर।